इस ऐप को डिटेल जानने के जो हम सीरीज स्टार्ट किए उसका ये नेक्स्ट वीडियो है। इसमें हम अकाउंट्स में आपको आरडी और एफडी एक ऑप्शन मिलता है, इसमें हम पूरा डिटेल जानने वाले हैं कि आप एफडी का या आरडी का डिटेल्स को डाउनलोड भी कैसे कर सकते हैं, स्टेटमेंट भी कैसे देखा जा सकता है इसमें, एंड ये सारी बारीक से बारीक चीज़ें हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखना है। इस पे हम अभी आरडी और एफडी पे जस्ट क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके बैंक में जितने भी फिक्स डिपॉजिट या फिर रिकरिंग डिपॉजिट एफडीज या फिर आरडी जिसे हम बोलते हैं जितने भी होंगे आपको यहाँ एक ही जगह पे सारे शो हो जाएंगे। तो आप कोई भी एक एफडी को आप इस पे क्लिक कर सकते हैं जिससे हम उसकी डिटेल समझने की कोशिश करेंगे। अभी एक हम एफडी पे क्लिक करते हैं, जैसे ही हम क्लिक कर देंगे उसका डिटेल्स हमें यहाँ पे शो हो जाएगा। अकाउंट नंबर एंड बैलेंस ऊपर हमें दिखाई दिया, लास्ट 5 ट्रांजेक्शन होते हैं, बट ये नया निकला अभी बनाया है इसलिए उस पर ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं मिलेंगे। स्टेटमेंट्स पे क्लिक करते ही आपको लास्ट 15 डेज तक का स्टेटमेंट भी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। अब उस पर जो मोर डिटेल्स है वहाँ पर साइड में उस पर ज़्यादा ज़रूरी जानकारी हमें मिलती है, उसको एक एक पॉइंट को हम बारीकी से समझते हैं। फर्स्ट हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मिलता है MMDC जनरल इंडी INDI 1 ईयर। उसके नीचे अपना अकाउंट नंबर नेम दिखेगा, उसके बाद ब्रांच नेम दिखेगा एंड डिपॉजिट अमाउंट दिखेगा, एंड उसके फिर नीचे थोड़ा आप देखिएगा तो इंटरेस्ट रेट आपको कितना वहाँ पर मिल रहा है यहाँ पे ही मिलनेगा आपको देखने के लिए, ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी देखने के लिए। उसकी एफडी का टर्म्स कितना होता है तो ये 365 डेज मतलब 1 ईयर का किया है हमने, 10,000 रुपीज़ का मात्र है ये। और इस पे हमें मैच्योरिटी अमाउंट कितना मिलेगा, मैच्योरिटी अमाउंट मतलब जब एक साल होगा आपका मूल रकम प्लस ब्याज मिला के आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनता है वो है 10,614 रुपया। एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट का मतलब होता है जिस दिन आपने एफडी निकाला है वहाँ से आज तक मैच्योरिटी के वक्त जो है एक साल में वो हमें मिलेगा 614 रुपये का इंटरेस्ट, बट अभी तक इसमें कितना इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हुआ है वो यहाँ पे दिखाता है। उसके बाद बैलेंस, इसका मतलब है कि आपका इनिशियल बैलेंस कितना था, एफडी कितने पे स्टार्ट किए थे हम, 10,000 है। लिए अमाउंट होता है जैसे कि कोई आप बैंक में किसी चीज़ के लिए इसको जैसे हम आसान भाषा में समझे तो गिरवी रखते हैं, कभी हम इसके अगेंस्ट लोन भी लेते हैं तो इस पे लियन चढ़ जाता है बैंक का या फिर होल्ड लग जाता है इस पे, जिससे आप इसको जब तक आपका वो ड्यूज क्लियर ना करे इसको विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। डिपॉजिट डेट ये है 29/12/2021, मतलब इस डेट को हमने इस एफडी को या फिर जो आप आरडी देखेंगे उसको स्टार्ट किया था, और उसका मैच्योरिटी 29/12/2022 को होने वाला है, मैच्योरिटी डेट जो नीचे लिखा है। उसके साथ हमें मिलता है फॉर्म 15G और H सबमिटेड, यहाँ पे N और S हो सकता है, ये क्यों देना है। जो आपको ब्याज मिलता है उस पर TDS जो कटता है, अगर आप इसको नहीं देंगे तो डायरेक्टली आपके फिक्स डिपॉजिट से ही इसको TDS कट जाता है, एंड अगर आप इसको देते हैं तो आपका TDS यहाँ से नहीं कटने वाला है, आप इनकम टैक्स रिटर्न जब फाइल करते हैं उस टाइम में यहाँ पर देख सकते हैं। अभी लियन का आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं, एक हमारा और एक एफडी है जिस पे बैंक का होल्ड लगा है, देखिए आप यहाँ पे जो लियन है ज़ीरो है। अब इसके आगे का एफडी मैं लेता हूँ, जैसे ही आगे का एफडी पे चले गए यहाँ पे इनिशियल बैलेंस 10,000 हमें शो किया है, साथ ही में लियन अमाउंट आप अगर चेक करेंगे तो यहाँ पर हमें 10,000 रुपये दिख रहा है, मतलब हमें इस एफडी पे 10,000 रुपये होल्ड लगा है। इसका डिपॉजिट डेट लिखा है 28/3/22 को ये मैच्योर होगा। अभी इसी को हम डाउनलोड कैसे करना है उसको देख लेते हैं। जस्ट डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए, ये आपका PDF में डाउनलोड हो गया है। अब इसको शो कैसे करना है, देखना कैसे है, आपका जो फाइल मैनेजर होता है वो फाइल मैनेजर में डाउनलोड्स में जाइए, आपको वो मिल जाएगा। ये रहा हमारा डाउनलोड्स ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देंगे, लीजिए हमारा FD यहाँ पर एक आ चुका है। जैसे ही आप ये PDF ओपन करते हैं ऊपर में आपके नाम, FD टाइप, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर एंड आपका रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस इसमें शो करता है, एंड जो नीचे बॉक्स मिल रहा है आपको उसमें सेम डिटेल्स आपको PDF फॉर्मेट में रिकॉर्ड कीप करने के लिए आपको आसान हो जाए इसलिए मिलता है। अभी इसमें आप देखेंगे तो एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट 122.91 है, लियन मार्क आपको 10,000 दिखा रहा है,
मैच्योरिटी वगैरह यहाँ पे सब शो हो रहा है। इसी प्रकार से आप ये जो डिटेल्स है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम यहीं रुकते हैं, आने वाली वीडियोस आपको मिल जाए इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है, जिससे आने वाला हर एक वीडियो आपको देखने के लिए मिले और इस ऐप के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले पाए। थैंक यू।